हरियाणा में धान की खरीद जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन मंडी में धान का उठान सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे धान से भरी बोरियां मंडी की शोभा बढ़ाती नजर आ रही है। धान से भरी बोरियों के ऊंचे ऊंचे टीले छछरौली की नई अनाज मंडी में नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि कल शाम को हम अपना अनाज लेकर मंडी में पहुंचे थे, लेकिन धान में नमी होने के कारण हमारा धान अभी तक नहीं बिका है, जिससे हमें काफी परेशानी हो रही है। कुछ किसानों का कहना है कि मंडी से धान भी चोरी हो रही है। इसके अलावा संजीव आरती ने बताया कि सरकार की तरफ से धान खरीद के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जो धरातल पर नजर भी आ रही हैं। हालांकि हमारी कुछ मांग है, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी उस मांग को जल्द पूरा भी करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ काम और क्या। अच्छा, तो कब आए थे अनाज लेकर अपना? कल आया था मैं तो। बिका नहीं अभी तक? बिका नहीं आया, बिकनी पड़ा। क्या वजह रही? गिल्ला है कहा। कितना बता रहे हैं मॉइस्चर? मॉइस्चर तो 25 भी ना। अच्छा, कब तक अप्लाई होने की उम्मीद है? बाकी आप तभी कितने कराने? अच्छा। बात तो जवाब दे रहे, पलटी मार रहे। अच्छा, तो दिक्कत आई है आपको यहाँ लग गया बेचने में? दिक्कत आई है? दिक्कत क्या होगी, भी बेच के जाएंगे ना। ओ, पानी पूनी की व्यवस्थाएं कैसी है मंडी में, खाने पीने की? ठीक है। कैसी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर? व्यवस्था व्यवस्था तो ऐसी कैसी है, और फिर चोरी करने। अच्छा, चोरी हो रही है? चोरी भी होगा। अच्छा, ये बुढ़ा कल से फेर कर पड़े, इन्हें पूछ के हाल तो रही। चोरी तो रही भाई, रात भी ठहरे थी। तो आरतियों की तरफ से कोई परेशानी? आरतियों की तरफ से तो परेशानी नहीं आई, तो मखलवा रखी सूख जाएगी, अपना खुल जाएगी। हमारी छछरौली अनाज मंडी में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, कार्य सुचारू रूप से चल रहा है जी। थोड़ी सी हमारा एरिया में जैसे थोड़ी नमी की समस्या रहती है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वाटर लेवल अप होने की वजह से थोड़ी फसल में नमी की समस्या है। उसको भी आड़ती भाई फार्मर्स और हमारे जो मजदूर भाई हैं, उसको भी अपने तरीके से हल कर रहे हैं। ढेरियां आपके सामने फैलनी पड़ी हैं, इन दो भी सफाई का काम जारी है जी, ताकि हमारा फार्मर भी परेशान ना हो जी। नंबर दो, बाकी तारिया ठीक चल रहा है। जनशो जी प्रत्येक 17 मॉइस्चर के माल की हो रही है जी। यदि मॉइस्चर 18, 19, 20, 21 पाया जाता है, तो उसको माल को तैयार करके घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद जिस हिसाब से क्वालिटी है, उसी हिसाब से उस माल को एजेंसियां परचेज कर रही है। मंडी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, सभी तरह की फैसिलिटी दी गई है, लाइट व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और उनके खाने के लिए भी अटल कैंटीन बनाई गई है, जहाँ पर किसान भाई 10 रुपये पर थाली में खाना सुबह 11 से 3 बजे तक मिलता है। और इस बार जीरी की खरीद है वो 27 सितंबर से प्रारंभ की गई थी, जो कि लगातार चल रही है। अब तक हमारी छछरौली मंडी में लगभग 2 लाख क्विंटल जीरी अराइवल हो चुकी है, जिसमें से 1,68,000 क्विंटल की हमने खरीद कर ली है। और छछरौली के जो सब यार्ड है प्रताप नगर, उसमें 1,73,000 की अराइवल हो चुकी है, और लगभग 1,00,000 क्विंटल से ऊपर हमने खरीद कर ली है। खारवन मंडी में 28,000 क्विंटल की अराइवल है, और 26,000 क्विंटल की हमने खरीद की जा चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा में धान की खरीद जोर शोर से चल रही है, लेकिन अनाज मंडी में धान का उठान सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे धान से भरी बोरियां मंडी की शोभा बढ़ाती नजर आ रही हैं। धान से भरी बोरियों के ऊंचे ऊंचे टीले छछरौली की नई अनाज मंडी में नजर आ रही हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।